जेट एरोप्लेन ट्रेवल एट अ स्पीड ऑफ 450 किलोमीटर पर आवर इजेक्ट द बर्न गैसेज एट द स्पीड ऑफ 1200 किलोमीटर पर आवर रिलेटिव टू द जेट एरोप्लेन। ठीक है, मतलब एरोप्लेन के रिस्पेक्ट में, एरोप्लेन के रिस्पेक्ट में जो ये बर्न कर रहा है गैस को, इजेक्ट कितना कर रहा है, 1200 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से इजेक्ट कर रहा है, बाहर को फेंक रहा है। ठीक है, जबकि एरोप्लेन उसकी स्पीड है 450 किलोमीटर पर आवर। फाइंड द स्पीड ऑफ द बर्न गैसेज विथ रिस्पेक्ट टू स्टेशनरी ऑब्जेक्ट या ऑब्जर्वर ऑन द अर्थ। ठीक है, जो अर्थ से उस इजेक्ट मटेरियल को देख रहे हैं उसके रिस्पेक्ट में, उसके रिस्पेक्ट में आप क्या देख निकालनी है, बर्न गैस की स्पीड निकालनी। ठीक है, मतलब जो आदमी है उसको देख रहा होगा, ठीक, कोई ऑब्जर्वर जो उसको देख रहा होगा तो उसको उसकी स्पीड कितनी दिखाई दे रही होगी, तो वो निकाल दें स्टूडेंट। ठीक है, तो स्टूडेंट को मैंने सॉल्व कर रखा है, आप यहाँ देखिए मैंने, ठीक है, आपने कल अगर एग्जाम्पल के न्यूमेरिकल को अगर समझा है तो ये भी आसान से हो जाएगा। देखिए क्या होगा, देखो वेलोसिटी ऑफ जेट देखा आपको 450 किलोमीटर पर आवर, वेलोसिटी ऑफ जो बर्न ऑब्जेक्ट है उसका जो दे रखा है उसकी स्पीड है 1200 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, आपको निकालना है वेलोसिटी ऑफ बर्न, बी मानी बर्न मान रखा है, बर्न ऑब्जेक्ट जो जलता है उसमें फ्यूल जो जलता है किसके रिस्पेक्ट में, ऑब्जर्वर के, तो ओ बोल दिया उसको। ठीक है मैंने, ठीक है ना स्टूडेंट्स, आपको ये निकालना है वेलोसिटी ऑफ बर्न ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर, तो ये निकालना है। तो आपको स्टूडेंट्स पता है इसका फॉर्मूला क्या होता है, बी वेलोसिटी ऑफ बर्न बर्न विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर इज इक्वल टू, मैं इसको लिखता हूँ बर्न ऑफ, सॉरी वेलोसिटी ऑफ बर्निंग ऑब्जेक्ट माइनस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर। ठीक है, और मैं इसको यहाँ पर जी लिख देता हूँ, यहाँ पर जी का मतलब ग्राउंड से है, और वैसे आप लोग स्काई भी लिख सकते हो। ठीक है, क्योंकि जो बर्निंग ऑब्जेक्ट हो तो स्काई में जल रहा होगा। ठीक है, ये भी स्काई में, ऑब्जर्वर कहाँ होगा, स्काई में तो नहीं होगा ना, वो ग्राउंड में होगा, तो मैंने इसको ग्राउंड मान लिया। ठीक है, दोनों को इसको ग्राउंड मान लिया, इसको ग्राउंड मान लिया। वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, जो ऑब्जर्वर वो तो क्या कर रहा है, रुका है ना, ये ऑब्जर्वर क्या है, रुका हुआ है, स्टेशनरी है। ठीक है, तो इसकी वेलोसिटी जीरो आ जाएगी, इसको मैं लास्ट में कर रखा है मैंने नीचे, फिलहाल आप इसका चाहो तो इसको हटा भी सकते हो, जीरो हो गया। ठीक है, और वेलोसिटी ऑफ बर्न ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, और ये हमको पता नहीं है। ठीक है, ग्राउंड या विथ रिस्पेक्ट टू स्काई, ये हमको पता नहीं है। ठीक है, तो इसको कैलकुलेट नहीं, इसको निकालना है मुझे, इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे देखते हैं। बाकी मैंने इसको इक्वेशन वन मार्क कर दिया। अब स्टूडेंट अगला हमारा जो सॉल्व करने का मेथड होगा, क्या करेंगे, देखो वेलोसिटी ऑफ बर्न ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू जेट, वेलोसिटी ऑफ बर्न ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू जेट इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ बर्न ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ जेट विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ठीक है, या आप इसको यहाँ पर स्काई स्काई भी लिख सकते हो। ठीक है, स्काई के रिस्पेक्ट में हमको पता है। ठीक है, एस भी लिख सकते हो, मैंने इसको जी इसलिए माना क्योंकि हम लोग जो हमने एग्जाम्पल किए थे उसमें जी जी लिखने सॉल्व करा था, तो यहाँ पर देखिए हम लोग जी बोलते रहे। ठीक है, लेकिन हमको अभी आपको समझ में आ जाएगा। देखो वेलोसिटी ऑफ बर्न ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू जेट ये दिया है ना, बर्न ऑब्जेक्ट का जेट के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी कितना है 1200। ठीक है, और यहाँ पर माइनस इसलिए कर रखा है स्टूडेंट्स कि देखो जो जेट होगा, जेट आगे को जा रहा होगा, जेट आगे को जा रहा होगा, तो जो बर्न ऑब्जेक्ट है वो क्या हो रहा होगा, पीछे को आ रहा होगा, तो ये नेगेटिव डायरेक्शन मान रखे इसको ना, तो इसलिए मैंने इसको नेगेटिव का 1200 लिख दिया इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ बर्न ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो कहते जो बर्न ऑब्जेक्ट का ग्राउंड के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी को पता नहीं है, या वेलोसिटी ऑफ बर्न ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू स्काई, ठीक है, स्काई के रिस्पेक्ट में उस बर्न ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी को पता नहीं है, हमको वेलोसिटी पता है आपका बर्न ऑब्जेक्ट का जेट के रिस्पेक्ट में 1200। ठीक है, स्काई के रिस्पेक्ट में, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में बर्न ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी को पता नहीं है, तो उसको ऐसे रख देंगे। और वेलोसिटी ऑफ जेट विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ग्राउंड रिस्पेक्ट या ग्राउंड स्काई बोल दो, ठीक है, स्काई के रिस्पेक्ट में जो जेट की जो वेलोसिटी है वो कितनी देर की आपकी, हाँ स्काई के रिस्पेक्ट में जो जेट की वेलोसिटी है वो आपकी 450 देर की, 450 देर की। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे, ये माइनस का यहाँ जाके प्लस हो जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो वेलोसिटी ऑफ बर्न ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ठीक है, या विथ रिस्पेक्ट टू यहाँ पर ग्राउंड लिख दो, ग्राउंड लिख दो या स्काई लिख दो, कोई बात क्या। ठीक है, देखो तो बर्न ऑब्जेक्ट है जो स्काई के रिस्पेक्ट में जो उसकी वेलोसिटी है वो तुम्हारी 750 है, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में जो है, आप ग्राउंड बोलो आप इसमें कन्फ्यूज मत होना, मैं ग्राउंड लेके सॉल्व कर रहा हूँ, आप ग्राउंड करके भी सॉल्व कर सकते हो, कोई ऐसी इसमें आंसर गलत नहीं आएगा। वेलोसिटी ऑफ बर्न ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ठीक है, तो कितना आगे सॉल्व करके 750 आ गया माइनस का, यानी बी वेलोसिटी ऑफ बर्न ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू जो ग्राउंड है या जेट के रिस्पेक्ट में, यहाँ पर ग्राउंड लिख दो, ये बार बार मैं इसको, आप इसको कन्फ्यूज मत होना, ठीक है, जी लिखा हो या आप इसको एस भी लिख सकते हो स्काई, ठीक है, वेलोसिटी ऑफ बर्न ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ठीक है, अब उनको पता चल गया ना जो वेलोसिटी ऑफ बर्न ऑब्जेक्ट था वो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में कितनी है, 750 है, तो यही इसी वेलोसिटी को कौन देखेगा, ऑब्जर्वर देखेगा, यानी इसकी वैल्यू मैं जब यहाँ रखूँगा, देखिए
यहाँ रखा तो ये देखो वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्व विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड वो तो जीरो आ गया, और वेलोसिटी ऑफ बर्न ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड उसकी वैल्यू कितना आएगी, -750 आ गया, ठीक है। और जो बर्न ऑब्जेक्ट होगा वो बर्न ऑब्जेक्ट होगा वो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में उसकी वेलोसिटी 750 की, और इसी वेलोसिटी को कौन देखेगा, हमारा ऑब्जर्वर देखेगा, ठीक है। जो ऑब्जर्वर ऑब्जर्व करेगा उसकी वेलोसिटी इतना इतना दिखेगा, और नेगेटिव माइनस का अपोजिट डायरेक्शन में होगी इसकी वेलोसिटी, ठीक है स्टूडेंट्स। और स्टूडेंट आप वैसे भी निकाल सकते हो, देखो अगर क्या कर रहा है, एरोप्लेन आगे जा रहा है 450 से, और बर्निंग ऑब्जेक्ट क्या आ रहा है 1200 से पीछे को आ रहा है, ठीक है। तो ये नेगेटिव ले लो, ठीक है, इसमें से कुछ घटा दो तब भी आंसर क्या आएगा, 750 आएगा, ठीक है। बस एक मेथड के तहत रिलेटिव रिलेटिव वेलोसिटी के थ्रू हम कैसे सॉल्व करते हैं न्यूमेरिकल, आपको आपको यहाँ पर मैंने बताया, ठीक है। ओके स्टूडेंट अगला न्यूमेरिकल देखते हैं। अगला न्यूमेरिकल स्टूडेंट्स यहाँ पर ना, हाँ, टू कार्स ए एंड बी आर मूविंग विद अ वेलोसिटी 60 किलोमीटर एंड 55 किलोमीटर पर आवर रिस्पेक्टिवली, कैलकुलेट द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ विद ए टू बी बोथ कार्स ट्रेवलिंग ईस्ट टू वार्ड, ठीक है। जब दोनों कार ईस्ट में जा रहे हैं, एक सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, एंड बोथ कार इफ कार ए इज ट्रेवलिंग ईस्ट टू वार्ड एंड बी इज ट्रेवलिंग वेस्ट टू वार्ड, ठीक है, एक ईस्ट जा रहा है एक वेस्ट जा रहा है, ठीक है। इसमें यहाँ पर यहाँ देखिए, यहाँ 750 है लेकिन ये माइनस का 750 है, ठीक है आंसर। ओके सुन, अब दूसरा देखते हैं। देखिए स्टूडेंट, कार ए की वेलोसिटी है 60, कार बी की वेलोसिटी है 45, ठीक है। आपको निकालना पहले कार वेलोसिटी ऑफ कार ए विथ रिस्पेक्ट टू बी निकालना, जब सेम डायरेक्शन में, देखो यहाँ पर ये सेम डायरेक्शन आ गया, यहाँ पर 60 किलोमीटर पर आवर सेम डायरेक्शन, ये 45 किलोमीटर पर आवर सेम डायरेक्शन, ईस्ट की ओर जा रहे दोनों, ठीक है। फर्स्ट कंडीशन ये है, तो जब दोनों सेम जा रहे होंगे तो निकाल लो, देखो वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी क्या होगा, ए माइनस बी। अब यहाँ पर हमने जी जी लिख दिया ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, इसकी वेलोसिटी कितनी है 60 किलोमीटर पर आवर, और कार बी की जो वेलोसिटी है ग्राउंड के रिस्पेक्ट में वो है आपकी 45 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। जब सॉल्व करेंगे तो वेलोसिटी ऑफ ए बी, ठीक है, वेलोसिटी ऑफ कार ए विथ रिस्पेक्ट टू बी जो होगी 15 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। यानी जो बी वाला ए को देखेगा ना, देखो यहाँ पर भी देखो, बी वाला जब इसको देख रहा होगा तो उसको ये लगेगा कि 15 किलोमीटर आगे मेरे से आगे 15 किलोमीटर आगे की स्पीड से चल रहा है, ठीक है। इसको इसकी स्पीड 60 ही नहीं दिखेगी, इसको इसकी स्पीड दिखेगी 15 किलोमीटर पर आवर ईस्ट की ओर चलेगी, ठीक है। अब दूसरी बात, दूसरा क्या बोल रहा हो, इनकी डायरेक्शन चेंज कर दो, मतलब बी की डायरेक्शन वेस्ट कर दो बोल रहा, ठीक है। मैंने यहाँ पर कर दिया दूसरे केस में, दूसरे केस में बी की डायरेक्शन वेस्ट कर दिया और ये ईस्ट की ओर है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो क्या रहा होगा, फिर से निकाल दो कि वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, ठीक है, यानी बी वाला ए को आप देखेगा तो क्या लगेगा उसको, देखो स्टूडेंट क्या लिखा, वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ठीक है, जी जी लिख देते हैं हम लोग, ठीक है। तो वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितनी है, 60 किलोमीटर पर आवर है, और वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, आप देखो स्टूडेंट ये इसकी डायरेक्शन बदल गई है, इसकी डायरेक्शन वेस्ट वार्ड हो गई, तो उसको माइनस का 45 लेंगे, ठीक है। तो माइनस माइनस प्लस करेंगे तो दोनों को ऐड कर देंगे, तो 60 प्लस 45 जब ऐड करेंगे तो वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी आएगा 105 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। यानी जब ये कार ना, आपने देखा होगा जब जब दोनों कारें, जब दोनों गाड़ियाँ ऐसे करके मोशन करते हैं तो उनकी वेलोसिटी ऐड हो जाती है, ठीक है। यहाँ पर भी क्या होगा कि दोनों, अगर जब दोनों के दोनों अपोजिट डायरेक्शन होंगे तो वेलोसिटी हमेशा ऐड हो जाती है, ठीक है। तो रिलेटिव वेलोसिटी के थ्रू हमने कैसे सॉल्व किया, पेन इनका रिलेटिव वेलोसिटी निकाला और लास्ट में हमारा जो आंसर आया, दोनों की वेलोसिटी ऐड हो जाएगी। यानी जब बी ऑब्जर्व करेगा ए को तो उसमें लगेगा, उसको ऐसा लगेगा कि मेरी ओर जो ए जो कार आ रही है उसकी स्पीड कितनी है, 105 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मेरी ओर आ रही है, ठीक है। तो ये आपका रिलेटिव वेलोसिटी का सेकंड क्वेश्चन था, ठीक। अगला क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट, एन ओपन कार इज अ मूविंग विद अ स्पीड ऑफ 100 किलोमीटर पर आवर, और अ मैन स्टैंडिंग इन द कार फायर्स अ बुलेट फ्रॉम अ गन इन अ ऑपोजिट डायरेक्शन, इफ द स्पीड ऑफ द बुलेट इज 250 किलोमीटर पर आवर रिलेटिव टू द कार देन फाइंड द बुलेट स्पीड विद रिस्पेक्ट टू द ऑब्जर्वर ऑफ टू द ग्राउंड, ठीक है। यानी एक गाड़ी के अंदर कोई बैठा है और वो क्या कर रहा है, गोली को 250 किलोमीटर के पीछे को मार रहा है, ठीक है। तो मार रहा है, तो अब हो क्या रहा है कि जो ऑब्जर्वर है, ऑब्जर्वर जो बाहर पर खड़ा है वो उसको देख रहा है, ठीक है, गोली की स्पीड को देख रहा है, तो उसे गोली की स्पीड 250 दिखेगी या कितनी दिखेगी, ठीक है। ऑब्वियसली उसको गोली की स्पीड कुछ अलग दिखेगी, ये आगे जा रहा है, ये पीछे जा रहा है, तो घट के दिखेगी ना, या भी माइनस का 150 आएगा, ठीक है आंसर। तो आप सीधे इसको घटा दोगे तब भी आंसर आ जाएगा, ठीक है। सॉल्व करने का तरीका क्या होगा, देखिए स्टूडेंट्स, देखिए 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कार जा रही है, ठीक है। ये जो अंदर बैठा था इसने गोली मारी पीछे को, 250 किलोमीटर पर आवर इसकी स्पीड है पीछे को, ठीक है। अब देखो होता क्या, इसमें मैं सेम निकालूंगा, रिलेटिव मोशन से हम कैसे रिलेटिव वेलोसिटी से कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। देखो वेलोसिटी ऑफ बुलेट विथ रिस्पेक्ट टू
ऑब्जर्वर इज इक्वल टू, देखो वी बी लिख दिया माइनस वी ओ, जी जी लिख दिया, ठीक है। ग्राउंड की स्पीड में बुलेट की स्पीड क्या है, बुलेट की स्पीड क्या है और ग्राउंड की स्पीड में ऑब्जर्वर की स्पीड क्या है, ठीक है। तो इसमें हमको पता है ना ऑब्जर्वर तो स्टेशनरी है, रुका हुआ है, तो इसकी स्पीड क्या होगी, जीरो, ठीक है। जबकि बुलेट की स्पीड ग्राउंड के रिस्पेक्ट में नहीं पता हमको, ठीक है। जो बुलेट की स्पीड पता है वो हमको कार के रिस्पेक्ट में 250 है, ग्राउंड के स्पीड में नहीं पता है। और ग्राउंड के स्पीड में जब वेलोसिटी निकालेंगे तो उसी स्पीड को कौन देख पाएगा, ये ऑब्जर्वर देख पाएगा, ठीक है। तो यहाँ जीरो मैंने लिख दिया इसको, ऑब्जर्वर की स्पीड, जो ऑब्जर्वर है उसकी स्टेशनरी है इसलिए जीरो हो गया। तो वेलोसिटी ऑफ बुलेट विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ बुलेट विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ठीक है। अब मैं ग्राउंड इसमें इसकी वैल्यू निकालूंगा। अब इसकी वैल्यू कैसे सॉल्व करेंगे देखो, तो देखो सुनिए, वेलोसिटी ऑफ बुलेट विथ रिस्पेक्ट टू कार ये तो पता ही मुझे, इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ बुलेट विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ कार विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ठीक है। तो वेलोसिटी ऑफ बुलेट विथ रिस्पेक्ट टू कार वो आपका 250, डायरेक्शन वापस है, जैसे हमने जेट में किया था ना, डायरेक्शन अपोजिट है, तो यहाँ पर 250 आएगा माइनस का जाएगा, ठीक है। विच इज़ इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ बुलेट विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ये हमको पता नहीं है, ठीक है, माइनस वेलोसिटी ऑफ कार विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितनी 100 है, ठीक है। इसको यहाँ जब ले जाएंगे तो दोनों ऐड करेंगे, तो ऐड करने के बाद माइनस का 150 आ जाएगा किलोमीटर पर आवर, इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ बुलेट विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो वेलोसिटी ऑफ बुलेट विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड जो होगा 150 किलोमीटर पर आवर होगा। इसकी वैल्यू जब यहाँ रखेंगे तो जो ऑब्जर्वर होगा उस बुलेट को देखेगा 150 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये था आपका कैसे हम रिलेटिव वेलोसिटी को सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो अगला है आपका स्टूडेंट्स क्वेश्चन, मैं अब देखिए और भी क्वेश्चन है कुछ इस टाइप के, आप लोग ढूंढिए और इसी मेथड से आप लोग करिए, ठीक है। तो आप ये अलग कर सकते हो इसमें, ये इसी मेथड से करेंगे, ठीक है। बाकी इसमें ये भी हो जाएगा लेकिन थोड़ा सा आपको सोचना पड़ेगा, इसमें ये भी हो जाएगा आपका, ठीक है। तो ऐसे आप लोग सॉल्व करिए, और एक दो क्वेश्चन और मैं आपको बताता हूँ कुछ रेन प्रॉब्लम वाले, ठीक है, रेन और अम्ब्रेला से रिलेटेड प्रॉब्लम वाले। अगर ये नहीं आते आपको यहाँ से 4 से लेकर 8 तक नहीं आते, आप लोग कमेंट्स में लिखिए कि क्वेश्चन नंबर ये बता दीजिए करके, ठीक है, तभी मैं बता पाऊँगा। तो अब एक मैं और आपको इसमें ऐड कर रहा हूँ क्वेश्चन, देखिए क्या है, रेन एंड अम्ब्रेला वाले क्वेश्चन, ठीक है। अब देखिए भी सिंपल होते हैं, अगर रिलेटिव वेलोसिटी आपको समझ में आ गई तो ये भी सिंपल है। देखो क्या है कि सपोज ये रेन हो रहा है, ठीक है, ऊपर से बारिश हो रही है ऐसे, और उसकी स्पीड है 30 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। रेन को मैंने आर लिख दिया, ठीक, और यहाँ पर एक कोई ऑब्जर्वर है, कोई आदमी है, ठीक है, खड़ा है वो, ठीक है। तो खड़ा है तो अब वो सोच रहा है जब वो यहाँ से जाएगा, तो यहाँ से जब जाएगा या फिर जब बारिश हो रही है तो अपनी छतरी को कैसे खोलेगा, ठीक है। तो ऑब्वियसली उसको अपने रिलेटिव में उस रेन जो हो रही है उसकी स्पीड पता होनी चाहिए, मतलब रेन का उसके रिस्पेक्ट में कितना उसकी वेलोसिटी होगी, रेन की वेलोसिटी उस मैन के रिस्पेक्ट में कितनी होगी उसको पता होना चाहिए, तभी तो अपनी छतरी खोलेगा। तो यही चीज़ हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो हम क्या निकालेंगे, वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन, बस वही करना है हमको, वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन, ठीक है। तो उसमें देखिए वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कर देंगे फिर से, माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ठीक है। तो उसमें देखिए वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है वो आपका देखो यहाँ 30 किलोमीटर पर आवर, ये नीचे को आ रहा है इसमें, ठीक है, ये नीचे को आ रहा है। तो नीचे को जब आएगा ना स्टूडेंट, तो कोऑर्डिनेट सिस्टम आपको पता नहीं, जब वाई से जब नीचे को आता है तो माइनस वाई में चल जाता है, तो माइनस वाई को यहाँ इसको जे डायरेक्शन में बोलते, ठीक है, जे के जो जे रिप्रेजेंट करता है माइनस के वाई डायरेक्शन को दिखाता है, ठीक है, और आई दिखाता है तुम्हारा एक्स डायरेक्शन दिखाता है, और यहाँ पर एक्स जेड को दिखाता है तुम्हारा के दिखाता है, ठीक है। फिलहाल मैं ये क्वेश्चन जो है टू डायमेंशन से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो क्योंकि हमको रिलेटिव वेलोसिटी मैंने पढ़ा दिया था इसलिए सिंपल क्वेश्चन है, इसलिए मैं यहाँ पर इसको बता रहा हूँ। देखिए यहाँ पर क्या है, रेन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितना आपका, ये आपका 30 किलोमीटर, ठीक है, 30 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो ये वाई डायरेक्शन नीचे को जा रहा है, तो उसको मैं लिखता हूँ माइनस का 30 जे लिखता हूँ, ठीक है। और वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड जो है वो रुका हुआ है अभी, ठीक है, फर्स्ट केस मैंने लिखा है, जब आदमी रुका है और छतरी को कैसे खोलेगा, जब रुका हुआ है तो छतरी को कैसे खोलेगा, उसको बिलो उसकी वेलोसिटी जो है जीरो है, तो इसकी वेलोसिटी है माइनस का 30 नीचे को। तो ऑब्वियसली वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू जो मैन होगा वो होगा आपका माइनस का 30 जे, जे का मतलब नीचे वाई डायरेक्शन में, ठीक है, वाई डायरेक्शन में नेगेटिव वाई की ओर जा रहा है, ठीक है। तो अब देखिए इसको मैं थोड़ा आपको ग्राफ में समझाने की कोशिश करता हूँ कि छतरी कैसे खोलेगा, ठीक है। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये आई है, ये वाई है, और ये माइनस वाई होगा, माइनस जे होगा, ठीक है, माइनस एक्स होगा, तो एक्स को माइनस आई बोलते हैं डायरेक्शन, और ये आई को आई माने एक्स की पॉजिटिव डायरेक्शन, जे की पॉजिटिव डायरेक्शन को वाई, और जे की नेगेटिव डायरेक्शन को माइनस जे बोलते, ठीक है स्टूडेंट। तो स्टूडेंट देखिए ये 30 की वैल्यू है, माइनस 30 जे, तो 30 जे का मतलब ये नीचे को, बारिश नीचे को हो रही है, ठीक है,
तो जब बारिश नीचे को रही तो ऑब्वियसली क्या होगा, उसके अपोजिट डायरेक्शन में क्या करेगा, वो छतरी खोलेगा, ठीक है। तो यहाँ बारिश, अभी बारिश का जो रिजल्टेंट है वो नीचे को आ रहा है, सारा बारिश जो रेन हो रही है उसे नीचे को आ रहा है, तो ऑब्वियसली क्या होगा, वर्टिकली अपोजिट क्या होगा, वो क्या करेगा अपनी छतरी को खोलेगा, यानी छतरी की डायरेक्शन क्या होगी, ऐसे करके ऊपर खोलेगा, ठीक है। आई बात समझ में। एक और समझते क्वेश्चन देखिए, सपोज दैट, अब देखो बारिश ऐसे ऐसे नीचे हो रही है, 30 किलोमीटर पर आवर इसकी स्पीड है, ठीक है। आप क्या कर रहे हैं, जो दूसरा ऑब्जेक्ट है वो क्या कर रहा है, मोशन कर रहा है 40 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। स्टूडेंट आपको पता होगा, जब भी आप किसी ऑब्जेक्ट मूविंग ऑब्जेक्ट में बैठते हो तो जब बारिश होती है तो आप क्या करते हो, छतरी को थोड़ा सा टिल्ट कर देते हो ऐसे करके, ठीक है। तो आपको ये देखना है कि कितने एंगल पर इसको झुकाएंगे, तो आपको पहले ही पता होना चाहिए कि आपकी स्पीड या रेन की स्पीड आपके रिस्पेक्ट में कितनी है, ठीक है। उसी हिसाब से क्या करोगे, आप अपनी छतरी को टिल्ट करोगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर क्या है, 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से बारिश हो रही है और आपकी स्पीड है 40 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो फिर से निकालेंगे वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू बॉय या मैन, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू बॉय इज इक्वल टू, तो वेलोसिटी ऑफ रेन और माइनस वेलोसिटी ऑफ बॉय, और जी लिख दिया, जी का मतलब क्या हो, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में रेन की वेलोसिटी कितनी है। तो रेन नीचे को हो रहा है, ठीक है, रेन नीचे को हो रही है, तो ऑब्वियसली क्या होगा, इसको माइनस का 30 J लिख दिया, ठीक है। और स्टूडेंट देखिए, जो वेलोसिटी ऑफ बॉय है विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है, वो आगे को एक्स के पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है। तो उसको मैं लिखता हूँ माइनस का 40 G लिखता हूँ, ठीक है। ये 40 इसकी स्पीड है और आई क्या होगी, इसके डायरेक्शन को बताएगा, ठीक है। तो आई क्या है, माइनस का 40 J, ठीक है। तो वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू बॉय वो होगा आपका माइनस का 30 J प्लस माइनस 40 I। अब इसको ग्राफ में दिखाना है, ठीक है। ग्राफ में दिखा के मैं इसको एंगल निकालूंगा, ठीक है। कितना टिल्ट करोगे, एंगल ही फाइंड आउट करना पड़ता है हमको इसमें बेसिकली। तो देखिए स्टूडेंट क्या करना है, देखो ये जे के डायरेक्शन है, जे के नेगेटिव डायरेक्शन में कितना है, 30 J है, मतलब वाई के नेगेटिव डायरेक्शन में 30 J है, और 40 I कहाँ पर, कहाँ है इसका, माइनस के एक्स डायरेक्शन में। तो माइनस के एक्स डायरेक्शन में कितना आ गया, माइनस का 40 I। आई बात समझ में, तो ये माइनस का आ गया, ये प्लस का, ये भी माइनस के इसमें आ गया। तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा, आपने वेक्टर वेक्टर एडिशन वाले में पढ़ा होगा, ठीक है, जो आप उसमें पैरेलोग्राम लॉ पढ़ते हो, तो पैरेलोग्राम में हम लोग एक लाइन डालते बीचों बीच, तो वो क्या बताता है, रिजल्टेंट, ठीक है। बारिश देखो कुछ, मतलब जो लड़का है, जो लड़का ना, जब वो मोशन कर रहा होगा तो उसको लग रहा होगा कि बारिश की कुछ बूंदें यहाँ को आ रही है और कुछ बूंदें नीचे को आ रही है, ठीक है। कुछ बूंदें ऐसी आ रही है, कुछ बूंदें ऐसी आ रही है, उसको लग रहा होगा जब वो मोशन में, जब जो वो क्या कर रहा होगा, गाड़ी को दौड़ा रहा होगा तेज़, ठीक है। तो उसको लग रहा होगा कि कुछ बारिश की बूंदें ऐसे उड़ रही है और कुछ बारिश की बूंदें ऐसे आ रही है। तो अब क्या करेगा, वो क्या करेगा, बारिश के, वो क्या करेगा, अपनी छतरी को, उन छतरी छतरी को उसके रिजल्टेंट, मतलब ना तो इस डायरेक्शन में खोल सकता है वो, क्योंकि नहीं, अगर ऐसे करके खोलेगा तो ये वाली बारिश से वो भीग जाएगा, ठीक है। अगर ऐसे करके सीधे खोलेगा तो, अगर या फिर सीधे खोलेगा तो इन बार इस वाली बूंद वाली ये वाले एरिया से भीग जाएगा, ठीक है। इसलिए क्या करेगा, वो इसके बीचों बीच छतरी खोलेगा, ठीक है। तो ये क्या होता है, इसका रिजल्टेंट होगा। तो ये रिजल्टेंट आ गया मैंने, ठीक है, सपोज़ मैंने एक लाइन डाली, ये रिजल्टेंट बताता है। और आपने पढ़ रखा है कि पैरेलली जो वेक्टर होते हैं, ये वेक्टर है ना, माइनस का 40 I, ये डायरेक्शन भी है, मैग्नीट्यूड भी, तो वेक्टर हो गया, तो उसको मैं पैरेलल शिफ्ट कर सकता हूँ। तो उसको मैं पैरेलल शिफ्ट कर नीचे लेके आ गया, ठीक है। और ये देखो 40 I लिख दिया, और एंगल थीटा है, ठीक है, एंगल थीटा है, तो यहाँ 40 I हो गया। ये भी पता है, लाइन्स माइनस का 30 J, ये 30 J है और ये 40 I है, तो आप यहाँ पर टेन थीटा लगा दो। टेन थीटा इक्वस टू क्या होता है, टेन थीटा इक्वस टू परपेंडिकुलर अपॉन परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता ना, तो देखो टेन थीटा इक्वस टू परपेंडिकुलर अपन बेस, तो परपेंडिकुलर कितना है, 40 अपन बेस कितना है, 30, तो इसे कट गया, तो टेन थीटा इक्वस टू 4/3 आ गया। तो स्टूडेंट याद रखिए, थोड़ा सा एक ये एंगल थोड़ा सा फेमस एंगल है, इसको बार बार हम लोग यूज़ करेंगे। देखो थीटा इज इक्वल टू, अगर देखिए स्टूडेंट 3/4 आएगा ना, कभी 3/4 आएगा तो उसकी वैल्यू टेन थ्री अपन फोर आएगा तो 37 की वैल्यू होगी, ठीक है। और कभी भी आप 4/3 आएगा तो वो आएगा 53 की वैल्यू होती है, यानी 10 53 की जो वैल्यू होती है 4/3 होती है। तो यहाँ पर भी क्या आ रहा है, देखो 10 4/3 आ रहा है, तो क्या होगा, एंगल 53 होगा। यानी जब वो लड़का ऐसे करके मोशन कर रहा होगा तो उसको अपनी जो छतरी होगी वो क्या करना पड़ेगा, एंगल 53 के एंगल पर उसको टिल्ट करना पड़ेगा, ठीक है। इसलिए वो क्या होगा, बारिश से नहीं भीगेगा स्टूडेंट्स, ठीक है। तो स्टूडेंट्स अभी फिलहाल आप ये दो न्यूमेरिकल कर रहे हैं और इस टाइप के न्यूमेरिकल को ढूंढिए और सॉल्व करिए, बाकी आपको कुछ प्रॉब्लम होगी तो कमेंट्स करिएगा। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू। अभी इस पर रिलेटेड और मैं न्यूमेरिकल और बनाऊंगा, ठीक है। थैंक यू स्टूडेंट्स।